अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आप मेरी मेकअप की वीडियोस देख देख कर आपको मेकअप तो करना काफ़ी आ गया होगा, लेकिन मसला जो है असल में वो लैशेस का है कि लगानी हम सबको भाई आती हैं और यूट्यूब पर वीडियोस भी हम देखकर बिल्कुल एकदम से एक्सपर्ट हो जाते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि वो असल में स्टिक नहीं सही तरह से होती, मतलब कि चिपकती नहीं है सही से, कभी स्टार्ट से उतरना शुरू हो जाती हैं और फंक्शन तो ऐसे शुरू होता जाए तो सबसे पहले जो है हमारी लैशेस जो है वो उतरना शुरू हो जाती हैं। अच्छा, कई दफ़ा ऊपर लग जाती हैं हमसे, और असल में जो सबसे ज़्यादा मसला है वो ये कि अच्छी जो लैशेस हैं वो कौन सी हैं, मिंक लैशेस कहाँ से मिलेंगी, वो हमें शॉप से नहीं मिलती, और जो ग्लू है आपी वो कौन सी अच्छी मिलेगी। अच्छा, सिर्फ इन 3 मिनट्स की वीडियो में आपके ये तमाम मसले जो हैं आज हमेशा के लिए मैं हल कर दूँगी। इसके लिए सबसे पहले हमेशा याद रखें कि लैशेस सबसे पहले अच्छी होनी चाहिए आपकी। कॉस्मेटिक स्टोर से अगर आपको इस तरह के लैशेस मिल जाए तो ज़बरदस्त है भाई, ये ले लें, नहीं तो ये 3 जो लैशेस हैं ये मेरी मोस्ट फेवरेट हैं, बहुत लाइट वेट हैं, बहुत ही अच्छी मिंक लैशेस हैं ये और बिल्कुल नेचुरल लगती हैं। आप चाहे साफ़ करके जितनी मरतबा मर्जी आपने इस्तेमाल करना है इन्हें करें, और बिल्कुल जो नॉर्मल एक आई साइज़ है उसके मुताबिक है, मीन के काटने शाटने की भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ती। इनके ऑनलाइन लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दिए हैं, और रिता जैन की जब भी आपने कोई प्रोडक्ट बाय करनी है तो RWK जो कोड है, RWK2 कोड को एंटर करके आपने लेनी है, इस तरह आपको 5% जो है इन पर डिस्काउंट मिल जाएगा। अच्छा, ग्लू सबसे अच्छी और जो सबसे आसानी से आपको कॉस्मेटिक स्टोर से मिल जाएगी वो ये स्वीट टच की ग्लू है। आई थिंक 100 से 125 रुपीज़ के दरमियान में आपको आराम से मिल जाएगी, आपने ये वाली ग्लू ले लेनी है। इसके बाद आपने इस तरह से ग्लू को लैशेस के ऊपर अप्लाई कर लेना है। अब अगर आपकी आईज़ बहुत ही छोटी हैं तो आप पहले इनका साइज़ पहले चेक कर लें, नहीं तो बिल्कुल ये नॉर्मल जो है साइज़ के मुताबिक ही हैं। आपने इस तरह से अपना आईज़ का मेकअप कंप्लीट करने के बाद लैशेस के ऊपर ग्लू अप्लाई कर लेनी है। लेकिन अगर अच्छा, यहाँ पर आपने एक बात याद रखनी है कि अगर आपका लाइनर एक्सपायर्ड है, बहुत पुराना है, ऑयली है या क्रीमी टाइप हो गया है तो कभी भी आपकी लैशेस जो हैं वो अच्छी तरह स्टिक नहीं होंगी, इसलिए आपने अपने लाइनर पर भी गौर करना है कि बिल्कुल फ्रेश हो और अच्छी तरह ड्राई हो चुका हो। आपने टूथपिक या इस तरह से जो आपकी ब्लैक हेयर पिन आती है आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। लैश पर आपने ग्लू लगा कर उसे रख लेना है 30 सेकेंड्स के लिए, और उसके बाद आपने थोड़ी सी जो ग्लू है वो अपनी जो अपर लैश लाइन है उसके ऊपर पहले स्टार्ट में, सेंटर में और एंड पर आपने इस तरह से ग्लू जो है अप्लाई कर लेनी है, और 30 सेकंड से आपने 40 सेकंड्स तक ज़रूर इंतज़ार करना है ताकि आपकी ग्लू जो है वो थोड़ी सी स्टिकी हो जाए। अच्छा, यहाँ पर एक और बात आप कर सकती हैं कि पहले एक आई पर आप लैश लगा लें और उसके बाद दूसरी आंख पर लगाएं। आपने ऊपर अपनी आईलिड को अच्छी तरह स्ट्रेच करके लैशेस को बिल्कुल अपनी अपर लैश लाइन के बिल्कुल जहाँ पर लैशेस स्टार्ट हो रही हैं वहाँ पर रखना है, सेंटर में रखना है, और पहले आप इनर साइड लगा लें या आउटर साइड को पहले आराम से पकड़ कर आप इस तरह लगाएं, ऊपर से हल्का सा प्रेस कर लें, और अगर आपकी लैशेस जो हैं उन्हें फिर नीचे से आपने थोड़ा सा ऊपर की तरफ प्रेस कर देना है ताकि वो बिल्कुल नीचे की तरफ ऐसे झुकी हुई और गिरी हुई ना लगें। इस तरह से अगर आप लैशेस लगाएंगे तो आपकी कभी भी नहीं उतरेंगी, बल्कि एंड तक आपका फंक्शन जो है, इवन कि आपको बाद में भी बहुत खींच कर इन्हें उतारना पड़ेगा। अच्छा, जब ग्लू ड्राई होकर, आपने ग्लू की बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, वो बाद में ट्रांसपेरेंट हो जाएगी ड्राई होकर, और अगर आपने पहले लाइनर अप्लाई किया है तो उन्हें नीट करने के लिए आप दोबारा से लाइनर ऊपर से अप्लाई कर लेंगे। मैंने थोड़ा सा जो है ब्लैक आई शेड लेकर उसे हल्का सा नीट कर लिया है, और स्टार्ट में जो है जो मैंने थोड़ा सा लाइनर लगाकर उसके बैंड को इस तरह आगे की तरफ बिल्कुल उसे नेचुरल एक लुक दी है, और ये लाइनर जो है मैंने इंस्टाग्राम पेज से लिया है, ये मिस रोज़ का स्टैम्प आई लाइनर है, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और तीनों लैशेज़ जो कि मेरी मोस्ट फेवरेट हैं, इनके लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी हेल्प के लिए ऐड कर दिए हैं, और इस तरह के लैशेस लगाकर अपनी पिक्चर मेरे साथ इंस्टाग्राम पेज पर ज़रूर शेयर कीजिएगा, और इंस्टा का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, नहीं तो आराम से रेमेडीज़ विद खानम्स के नाम से सर्च करके भी आप मुझे वहाँ फॉलो कर सकते हैं और मेरे साथ ज़रूर अपनी पिक्चर शेयर कीजिएगा। और उम्मीद है कि आज की वीडियो भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और मैं मिलूँगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।